नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका MPPSC पार्ट 6 में। तो चलिए हम आज से हमारे लेसन की नई शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। आपको आपकी 2019 की PSC अगर आने वाली होगी तो उसमें 2020 की PSC और अन्य सभी GK बेस्ड एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ खेले गए थे? ये खेले गए थे अबू धाबी में। नेक्स्ट, सारगढ़ी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ? सारगढ़ी का युद्ध हुआ 1897 में, अंग्रेज वर्सेस अफगानों के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यही आता है, हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा है सबसे बड़ा तारामंडल। नेक्स्ट है शून्यकाल, जो संसद में शून्यकाल की अवधि है वह कितने से कितने के बीच है? वह है 11 से 12 के मध्य। नेक्स्ट है श्रम योगी मानधन योजना में आयु कितनी है श्रमिकों की? जो आयु कितने वर्ष की निर्धारित की गई है? ये की गई है दोस्तों 40 वर्ष की। नेक्स्ट, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? आपको ऑप्शन मिलेगा सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों ये सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है गुवाहाटी का प्राचीन नाम क्या है? गुवाहाटी का प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिषपुर। नेक्स्ट है दोस्तों रजत रेशा किसकी किस्म है? रजत रेशा किसे कहा जाता है? रजत रेशा कहा जाता है कपास को। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा है जूट, रजत रेशा है कपास। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से। केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है हमारे भारत में? ये होता है सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अरविंद घोष को। नेक्स्ट है सोलहवीं एशियाई मीडिया शिखर समिट कंबोडिया में आयोजित हुई। नेक्स्ट है मेला खीर भवानी उत्सव ये कहाँ है दोस्तों, मतलब कहाँ होता है ये उत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है 2019 विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है सेफ ब्लड फॉर ऑल। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस किसको मिला है? फीफा रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे आ गया है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। नेक्स्ट है 2019 ये हो गया है हमारा विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? सेव ब्लड फॉर ऑल। इसके बाद है फीफा रैंकिंग में बेल्जियम। मातृश्री पुरस्कार किस गेम से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मातृश्री पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से। नेक्स्ट है ऑपरेशन सनराइज किन दो देशों के मध्य हुआ है? ऑपरेशन सनराइज है इंडो म्यांमार के मध्य। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है दोस्तों टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्या है? टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट, CRPF बल ने अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया। यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा किस बल ने, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा BSF, CRPF और भी जो सशस्त्र बल हैं, तो उनमें से आपको क्या ये आंसर है, CRPF ने किया है अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यावरण बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है गुथी विधेयक का संबंध किस देश से है? ये है नेपाल से संबंधित है गुथी विधेयक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रधान सचिव हैं उनका नाम क्या है? ये है नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका में किस कंपनी ने गोल्ड अवार्ड जीता? साउथ अफ्रीका में भारत की किस कंपनी ने गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये जीता है महिंद्रा ने। फिर है मूक क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाज से। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित सोना क्रांति, देखिए स्वर्ण रेशा किससे थी? जूट से, और यह हरित सोना है बांस उत्पादन से। फिर रजत रेशा कपास से। नेक्स्ट है रग्बी गेम की बॉल का आकार कैसा होता है? रग्बी गेम की बॉल का आकार दोस्तों होता है अंडाकार। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अंडाकार, गोलाकार, चौकोर, या फिर ये भी आ सकता है कि अंडाकार जो बॉल है वह किस गेम में प्रयोग की जाती है, ये है रग्बी। नेक्स्ट है डोनवास खान कोयला क्षेत्र की है, वह कहाँ है? डोनवास खान कोयला क्षेत्र की यूक्रेन में है। नेक्स्ट है आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश है रशिया। नेक्स्ट है क्यूराइल द्वीप
किन दो देशों के मध्य ये है? रूस और जापान। क्यूराइल द्वीप ये विवाद का है, तो इसे क्यूराइल द्वीप आता है रूस और जापान के मध्य में। नेक्स्ट है कदम कदम उठाए जाए, यह गीत के लेखक कौन हैं? यह गीत के लेखक हैं पंडित वंशीधर शुक्ला। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। नेक्स्ट देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये एसएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन सारे दोस्तों, और एमपीपीएससी में भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ये लिखा है देख तेरे संसार की हालत कवि प्रदीप ने। नेक्स्ट है महाभारत के इसमें पात्र में है चित्रसेन और सत्यसेन। चित्रसेन एवं सत्यसेन के पिता कौन थे? चित्रसेन और सत्यसेन के पिता थे कर्ण थे। तो क्वेश्चन ये आता है चित महाभारत के जो पात्र हैं चित्रसेन और सत्यसेन के पिता कौन थे? उनके पिता थे कर्ण। नेक्स्ट राफेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा हुआ? राफेल का निर्माण डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है एन इंटीमेट स्टोरी किसकी जीवन पर आधारित है? यह है टीएन सेशन के आधार पे जिसे गोविंद कुट्टी ने लिखी है यह है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की रानी है नेतरहट। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? क्रेडिट कार्ड में होते हैं 16 अंक, वेरी आईएमपी, क्रेडिट कार्ड में 16 अंक होते हैं, आधार में होते हैं 12 अंक। क्रेडिट कार्ड में कितने होते हैं 16, आधार में 12 अंक, वेरी आईएमपी, आधार का मुद्दा लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा शासक था जिसने जीते जी अपना मकबरा बनवाया था? तो यह अकबर ने जीते जी अपना मकबरा बनवाया था। और अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? अकबर का आप ये सर्च कीजिए, यह आपका है क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट है जो गोल्ड फिल्म है अक्षय कुमार की जो बनी थी उसमें कौन से ओलंपिक में जीत को दिखाया गया था? तो उसमें 1948 का जो लंदन ओलंपिक है उसके बारे में ये फिल्म बनी है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो जिस विषय पे भी कमेंट करेंट या फिर अदर वीडियो चाहिए होंगे उनके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।